पर कांग्रेस के आरोपों को लेकर गिरिराज सिंह ने जवाब दिया है। कहा तेलंगाना में जीत पर कांग्रेस चुप क्यों है, कर्नाटक में जब जीते तब ईवीएम पर बात क्यों नहीं की, हिमाचल में जब कांग्रेस जीती तब सवाल क्यों नहीं उठाए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इंडी गठबंधन को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं और दिग्विजय सिंह ने एक तरफ आरोप लगाया तो दूसरी तरफ अब ईवीएम को लेकर भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं। कहा है ईवीएम पर कांग्रेस के आरोपों को लेकर गिरिराज सिंह ने जवाब दिया, जो आरोप दिग्विजय सिंह ने लगाए थे। कहा तेलंगाना में जीते तो कांग्रेस चुप थी, कर्नाटक में जीते तो चुप थी, हिमाचल में जीते तो चुप थी, अब सवाल उठा रहे हैं। राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, उसके बाद एक बार फिर विपक्ष और खास तौर पर दिग्विजय सिंह ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी हमारे साथ हैं। गिरिराज जी, तीन राज्यों में जीत हुई है, अब एक बार फिर ईवीएम का रोना जो है विपक्ष रो रहा है। मुझे लगता है दिग्विजय बाबू कौन से ईवीएम की बात कर रहे हैं, कपड़ा फाड़ ईवीएम वाली बात कर रहे हैं, उस पर तो वो आंतरिक विवेचना करें, लेकिन तेलंगाना के जीत पर तो नहीं ईवीएम बता रहे हैं, हिमाचल के जीत पर तो ईवीएम पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे हैं। ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, जब उनकी हार हो जाती है तो ईवीएम पर दोष मरते, और जीत जाते तो एक है ना कहानी, मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू, वही है ईवीएम। गिरिराज जी, कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं प्रमोद कृष्णन, उनका ये कहना है कि ये जो हार हुई है ना, इसके पीछे बड़ी वजह है कि सनातन का जो लगातार अपमान किया जा रहा था कांग्रेस पार्टी की वजह से, यही एक बड़ी वजह है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष, ऐसे तो कांग्रेस का डीएनए ही है सनातन विरोधी, और इस बार तो सुनियोजित तरीके से तो देश की जनता में भी इन विपक्षियों के प्रति, जब सनातन को आप खत्म करेंगे, जब सर तन से जुदा के नारे लगेंगे तो आपकी जुबान बंद रहेगी, तो जनता भी तो देख रही है। क्या देश का बंटवारा इसी दिन के लिए हुआ था कि एक तो लोग गए धर्म के आधार पर, जो यहाँ बच गए वो सर तन से जुदा कर रहे हैं, और कांग्रेस सहित तमाम इंडी गठबंधन की जुबान बंद रहती है, तो जनता अपना जब उसको ताकत है वोट देने का तो इनके खिलाफ वोट देती। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ये जीत मोदी की है, बीजेपी की नहीं है, बीजेपी के पास कुछ है नहीं, सिर्फ मोदी की जीत है। बहुत अच्छा, हमारे पास मोदी है, उनके पास जो है वो झुनझुना बजा रहे हैं, हमारे पास मोदी जी हैं, पूरे दुनिया में भारत का डंका पीट रहे हैं, और भारत में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गर्व करता है।